हाँ से अभी पेट पूजा हो गई, पहुंच चुके हैं जी बिलिंग। यही वो पॉइंट है जहां से सारे लोग फ्लाई करते हैं। बाकी चलते हैं ऊपर, आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कैसा है। दुनिया की दूसरे नंबर और एशिया की पहले नंबर की पैराग्लाइडिंग साइट पे आपका स्वागत है। ये है बिलिंग, मैं आपको पूरा बीर बिलिंग अगले कुछ दिनों में एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, तो लगातार एपिसोड देखना। अब जी देखो ये तैयार है फ्लाई के लिए, अब देखो कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कल मैंने भी कर लिया, आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो जाके इससे पहले वाली वीडियो देखो। देखना यहाँ पे थोड़ा सा डर तो लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ से स्लाइड करना होता है और बिल्कुल स्लाइड देख रहे हो, ऐसे स्लोप है, फिर उड़ते उड़ते आप कुछ ऐसे उड़ते हो आसमान में। पहली बार, फर्स्ट टाइम, ए उड़ जाओ। यहाँ से टेक ऑफ साइड बना रखी है और यहीं से हम टेक ऑफ हो जाते हैं। बाकी मैं टॉप पॉइंट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी है। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, कल तो मैंने यहीं से फ्लाई किया है, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, आप लोगों ने कमेंट भी उस पर किया होगा, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है आप लोगों पे। बाकी चलता हूँ आगे की साइड, देखता हूँ क्या है। एक और टेक ऑफ साइड पर मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ से एक रेडी है टेक ऑफ करने के लिए। अभी आप लोग देख रहे हैं टेक ऑफ कैसे होता है, और वो दूर बीर दिखाई दे रहा है, बीर विलेज। बहुत लोग तो उधर भी फ्लाई, और आपको पता है यहाँ से फ्लाई करते करते लोग मनाली तक भी पहुँच जाते हैं जो सोलो करते हैं। आपको ऐसे गोप्रो पकड़ा दिया जाता है, भागना है बस, बस भाग जाना सीधा, बहुत कुछ नहीं होता, पीछे की तरफ खींचेगा, भागते रहना। हाँ बस भागते रहना, पैर वो कर देना, ऐसा मत सोचना बाइक खींच रहा है। हाँ चल चल दौड़ो 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 दौड़ो, बस आग बात करके दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ दौड़ जाओ। और ये ले, छोड़ दिया भाई, उसने छोड़ दिया वाला। यहाँ से व्यू लेने भी आते हैं, आपके पास अगर टाइम हो तो आओ। अच्छा आप देख रहे हो ये पत्थर है, कितने जबरदस्त लग रहे हैं, लगता है कुछ लगा दिया गया है। यहाँ के पत्थर मैंने देखे हैं, बिल्कुल शाइन करते हैं। और सामने दौलाधार के पहाड़, ये देखो नीचे देखना ना, तो रिज के ऊपर ही रहना। ये जो भैया बता रहे हैं ना, ठीक है, कि किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो सामने जो उड़ रहे हैं ना, वो लोग सोलो उड़ रहे हैं। वहाँ आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा, वो दूर जो दिख रहा है ना, थर्मलिंग कर रहे होते हैं, तो मतलब आपको रिज के ऊपर। ये बेसिकली इनका स्कूल भी है ना, टीटी करके समथिंग स्कूल, यहाँ पे लोग सिखाते भी हैं कि आप आओ, आपको अप्रॉक्स 20 से 25 हज़ार कुछ ऐसी कॉस्टिंग है, जिसमें 3-4 फ्लाइटें मिलती हैं और साथ में इनकी ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होती है वो इंक्लूड होती है। और ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि सीधा जाना है, अप डाउन कब होना है, वो दूर उड़ रहे होंगे। तो जी फाइनली यहाँ से मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, सारा कुछ समझा भी दिया, आप आके एंजॉय करो। बाकी यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, इस भाई की भी मैं डाल दे रहा हूँ, उसे भी फॉलो कर लो। और बाकी मेरी तो आप फॉलो पहले से करते हो, नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो, पुराने करो यार, कमेंट करो वीडियो पे कैसी exactly. लगी। उससे क्या होता है, एल्गोरिथम सही चलता है और बहुत लोगों को रिकमेंड करती है, तो लोग आते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है, आप बेनिफिट करवाते हो, हम नहीं करवाते, हम सब बना के डाल देते हैं, तो आप ही करते हो। बाकी चलते हैं बीर की मार्केट, वो एक्सप्लोर करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि क्या है मार्केट में, कितना कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। बाय बाय बिलिंग। इस मॉनेस्ट्री में पूजा चल रही है, सारे लोग यहाँ पे पूजा ना, वहाँ पे यहाँ से ब्लेसिंग लेके हम बाहर निकलते हैं। आपको मैं बता दूँ एग्जैक्ट पट्टी का है, अंदर है। अच्छा आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, बिल्कुल मार्केट के जस्ट बगल में है ये बीर साक्या लामा स्कूल है ना, उसी के जस्ट सामने है, यहाँ आ सकते हो, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सुकून मिलेगा। अंदर पूजा चल रही थी इस वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल वहाँ से उतरने के बाद सबसे पहले यहाँ पे धर्म कर्म वाले स्थल पे, फिर आगे चलते हैं मार्केट की तरफ, वहाँ पे भी एक मॉनेस्ट्री, बहुत पुरानी मॉनेस्ट्री है।
जो तिब्बती लोग हैं ना उनका ये स्कूल है यहाँ पे, द वीर लामा स्कूल। आपको पता है ना यहाँ पे बहुत लोग जो तिब्बती हैं ना, शरणार्थी जिसे बोल सकते हो आप, वो लोग यहाँ बहुत रहते हैं यहाँ पे धर्मशाला में बहुत ज़्यादा। तो अभी हम फिलहाल पहुँचने वाले हैं मार्केट। ये सीधी स्ट्रीट रोड है ना, ये सीधी आती है यहाँ पे। एक्चुअली मेरा यहाँ पीछे ही हॉस्टल है, तो दैट्स रीज़न सबसे पहले मैंने यहीं पे दर्शन कर लिए। अब दर्शन करके आगे बढ़ते हैं, अच्छे टाइम पे पहुँच गया, पूजा हो रही थी। ये जो सामने आप देख रहे हो ये भी छोटा सा एक बस स्टैंड है, ये मार्केट है। यहीं से मार्केट काफ़ी साफ़ सुथरी और बहुत ही प्यारी सी मार्केट है। आप कुछ भी यहाँ पे आओ हर एक चीज़ अवेलेबल है, छोटी छोटी शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपको कैफेज़ वगैरह अगर आप एक नाइट स्पेंड करना चाहते हो, कुछ ऐसा अपने कपल के साथ फैमिली के साथ थोड़ा एक रोमांटिक टाइम होता है ना, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखो ना लोकल स्टोर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे बस स्टैंड है, वो रहा बस स्टैंड, यहाँ पे भी पार्किंग होती है गाड़ियाँ, बस स्टैंड बिल्कुल सीधा जाने के बाद है। बाकी आपको स्टे का बता दूँ, आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं, हर जगह बीर में हर एक लोकेशन प्यारी है। तो आप ऐसा मत सोचना कि भाई मैं यहाँ स्टे नहीं कर सकता, जहाँ पे मैं रुक रहा हूँ वहाँ भी आप रुक सकते हो। मार्केट में बहुत सारे होम स्टे हैं, हॉस्टल्स हैं, इनफैक्ट लैंडिंग साइड की तरफ मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ भी देखना बहुत सारे स्टे की जगह है, काफ़ी कुछ है बीर में। मुझे तो बीर पर्सनली बहुत प्यारा लगा, आप भी आना। बाकी अभी तक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आप। तो जी मैं जिस जगह पे आ चुका हूँ मार्केट के बिल्कुल अंदर पे, नीमा मॉनेस्ट्री, ये भी बहुत ही फेमस है, अगर आप आते हो तो यहाँ आ सकते हो। बाकी शुरुआत कुछ ऐसी होती है, इसको टच करके आप ऐसी हो जाती है। अंदर चलते हैं, किसी का स्लोगन है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रही नीमा मॉनेस्ट्री, बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्लीन और सुकून मिलेगा आके आपको। मैं लेके चलता हूँ आपको अंदर। नाइस, दिखाऊं आपको, ये रही नीमा मॉनेस्ट्री। थोड़ा शांति सन्नाटा है तो आराम से बैठते हैं। अभी अंदर लेके चलूँगा। और जो पीछे वाली मैंने आपको मॉनेस्ट्री दिखाई थी, वेद गोमजा करके है, गोमजा। अच्छा आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे भी स्टे हो सकता है। मैंने देखा था hostel.com पे, उस पर जाके इस मॉनेस्ट्री के अंदर भी रूम्स अवेलेबल थे, यानी आपको रूम्स मिल रहे थे और अच्छे खासे रेट पे। देख रहे हो अब सारे रूम हैं, अगर आप रुकना चाहो तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। hostel.com पे अवेलेबल था नीमा मॉनेस्ट्री के अंदर। मैं एक चीज़ बताऊँ, हर एक चीज़ सनातन धर्म से निकली। अब देखो ये है गॉडेस ऑफ टेस्ट अन्नपूर्णा, द गॉडेस ऑफ टच, हर एक गॉड, द क्लेम ड्रम गॉडेस, कामरूप समथिंग, फ्लूट, भगवान कृष्ण, क्या है यहाँ देखो, द ल्यूट गॉडेस, सरस्वती माँ, नाम वही है, अलग अलग गॉडेस, अलग अलग मिरर, तो ऐसा बहुत है। कृपया जूते यहाँ निकालें और चलते हैं अंदर, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मॉनेस्ट्री के। 12 से 1 बजे के बीच में दर्शन नहीं कर सकते, उसके बाद आप आके दर्शन कर सकते हैं। वाह नाइस, वाह नाइस, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा ना, ये सब हैंड से पेंटिंग होती है। मुझे कहाँ से पता चला, जब मैं वहाँ नाको ताबो में था तो बताया गया था, बहुत पुरानी है ये सब हैंड पेंटिंग, सारी हैंड से कलर होता था ना उससे बनता था ये सब। देख रहे हो आप, सुकून मिल रहा है कितना, बहुत सुकून। सारे पे बुद्ध बुद्ध हर तरफ, एक यहाँ पे सुगंध सी आ रही है, बहुत ही अच्छी, अच्छा सा लग रहा है और सुकून सा मिल रहा है। वाह दैट्स नाइस, जय भगवान जी। कोई नहीं है इसमें, अभी बिल्कुल सन्नाटा है, मैं हूँ और भगवान है। ये रही जय भगवान। ये जो किनारे किनारे है ना लामा है, ये कोई लामा रहे होंगे, लामा मीन्स गुरु, कोई ना कोई गुरु रहे होंगे, और बीच में भगवान बुद्ध। और ये भगवान बुद्ध की बहुत सारी कलाएं हैं,
तो उस चक्कर में यहाँ पे वो कलाएं दिखाई गई हैं अलग अलग कहानियों के रूप में। दर्शन भी कर लिए यहाँ से, आपको दिखा भी दिया। मेरा दिखाने का क्या मकसद है ना, भीड़ में आओ तो क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप भी आओ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। और वैसे आपको बता दूँ, समर में यहाँ पर ठंड होती है सुबह शाम, दिन में आप नॉर्मली, लेकिन आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। हमारे तेज ठंडी चलती है और इस क्लोजिंग का जो टाइम है वो शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है, तो आप ऐसा ही प्लान बनाओ कि शाम तक मत आओ, दोपहर तक आके आराम से दर्शन वर्शन करके देख घूम घाम के आप जा सकते हो। आज मैं आपको पूरा ना मार्केट का ही दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आओ तो एक बार थोड़ा सा दिमाग में रख के आओ कि भाई मार्केट कैसी है। होता है ना शाम को तो यहाँ बहुत रौनक हो जाती है, लोग बताते हैं कि शाम को ऐसा हो जाता है ना कि चारों तरफ गिटार बजने, म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक, कैफ़े, बहुत सारा हो जाता है। तो यही छोटी सी मार्केट, मैं बता दूं आपको कैसे क्या है। बस स्टैंड से सीधी रोड ना, ये पूरी मार्केट है, बस ऐसे जान लो ये सीधी लैंडिंग साइड तक है, बस स्टैंड उस साइड है। आप वहाँ से आते हो पूरी मार्केट किनारे किनारे है, आप सीधा लैंडिंग साइड तक जाते हो पूरी मार्केट है। तो जी रास्ते में जा रहे थे, आप लोगों को पता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ ना एक चीज़ तो मैं ज़रूर ले लेता हूँ, वो क्या है ना, मैं आपको अंदर लेके चल कर दिखाता हूँ। ये है एक शॉप, और शॉप के अंदर जैसे ही मैं घुसता हूँ यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं मुझे जो कि बहुत ही प्यारे लगे, छोटे छोटे ऐसे आइटम हैं जो यहाँ की फेमस है। बाकी मेरी फेवरेट चीज़ ये फ्रिज मैगनेट, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैंने बहुत सारे कलेक्शन हो रखे हैं, यानी जहाँ जहाँ कुछ टाइम से स्टार्ट किया, मतलब वो क्या होता है ना, अगर आप भी कहीं जाओ तो ज़रूर लो, उससे उसके पीछे रीज़न होता है। जब भी आप अपने फ्रिज पे कहीं देखते हो तो आपको याद रहता है कि भाई मैं इस जगह गया हूँ, या आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताने में अच्छा रहता है। फिलहाल मैं परचेज करके फिर यहाँ से निकलता हूँ। कितने के हैं वैसे ये सारे मैगनेट्स? ये 60 का है, यहाँ से ये सब, यहाँ 60 का, ये 70 का, इसमें ओपनर्स का। ओके ओके, हमारे लिए मैं नहीं ले ले रहा हूँ, यहाँ से एक तो लेके जाऊँगा। फिलहाल वहाँ से परचेज करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप आओ यहाँ पे तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये देखो छोटे छोटे कैफे, पैरागी कैफे, माफिया कैफे, सरवना कैफे, सब कैफे ही कैफे यहाँ पे हैं। गुप्ता साहब की जगह गुप्ता शॉप, यूँ की जगह बस यही हो गया। अच्छी तरह मार्केट देखने के बाद जैसे आप आते हो सामने माफिया कैफे है, बहुत ही फेमस है, रात में यहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी चलता है, और सामने टी गार्डन, अच्छा लग रहा है ना। लंच टाइम हो गया है, भूख भी लग गई है, तो जस्ट माफिया कैफे के जस्ट सामने, काफ़ी अच्छा ये बनाती है, इनकी चटनी बहुत ही फेमस, मुझे मतलब फेमस क्या स्वाद लगती है बहुत ज़्यादा। और सामने आप देखो हो रही है, अभी जस्ट कल करके आया, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन वीडियो आ रही है, जाके देख लो। मैंने इनकी सोच से अभी जस्ट एक सिड्डू मंगाया है, सिड्डू आपको पता है ना बहुत फेमस होता है, कल मैंने आके यहाँ पे डिनर किया था, आज आके थोड़ी सी भूख लगी है तो मैंने कहा कुछ ऑथेंटिक टेस्ट किया जाए। कल यहाँ पे ना जो मेरे साथ अमित था ना उसने खाया था, कह रहा तो बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा जरूर एक बार यहाँ पे टेस्ट करूँगा, अभी आ गया हूँ, एक बार खा के स्वाद भी साझा करेंगे, अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात आपसे बताएंगे भी, है ना। पेट पूजा करने के बाद आप देख रहे हो सामने ज़बरदस्त बगान है चाय की, अच्छा लगता है यहाँ पे अगर आप आते हो ना, थोड़ा सुकून सा मिलता है। और बाकी यहाँ से पैराग्लाइडिंग आप देखो ऊपर ज़बरदस्त हो रही है, और ये रही चाय की बगान, सुकून मिलता है, मतलब न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है, चलते रहो चाय की बगान देखते रहो, ये सब चाय लगी हुई है। तो जी जो सामने आप देख रहे हो ना ये पूरी बाइक, बाइसाइकिल और आपके कार रेंट जो भी आपको करना है पूरी मार्केट ही है ये। थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हो यहाँ पे पूरी मिल जाएगी इस टाइप की, बहुत सारी, एक नहीं कम से कम 10 होंगे, तो आप आराम से आगे ले सकते हो साइकिल, बाइक, वट एवर यू वॉन्ट, आराम से यहाँ ले सकते हो। तो मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ ना बड़ी फिक्स ही है कि यहाँ से यहाँ तक आपको ये रेंट पे मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक कैफ़े हैं, कैफ़े तो बहुत सारे हैं, यहाँ से यहाँ तक वाइन सर्व होती है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो अच्छा लगा यहाँ पे। बाकी अभी सनसेट होने वाला है, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सनसेट भी देखते हैं यहाँ का, बहुत ही प्यारा सनसेट होता है, कल तो मैंने देखा था आप लोगों को दिखा नहीं पाया, आज स्पेशली आप लोगों के लिए रुकूँगा और दिखाऊँगा भी। तो कवर हो गई, अब मैं आपको लेके चलता हूँ लैंडिंग साइड की तरफ, जहाँ से ऊपर से तो आपने देख लिया टेक ऑफ कैसे होते हैं, लैंडिंग कैसे होती है वो सारी चीज़ें आप देखोगे। लो जी लैंडिंग साइड पे पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोग उड़ रहे हैं, यहीं पे आके भी सारे लोग लैंड हो जाएंगे। ये है लैंडिंग साइड बीर की, बाकी यहाँ पे आ चुका हूँ, अभी सनसेट यहाँ बहुत ज़बरदस्त होता है, आप आओ यहाँ पे, 2 दिन का आराम से टाइम निकाल के आओ, 2 दिन में बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और मेरा भी आज यही कोशिश थी, कल मैंने पैराग्लाइडिंग कर ली, आज था बीर घूमने का, बीर एक दिन के लिए बहुत है, एक दिन पैराग्लाइडिंग कर लो, एक दिन घूम लो,
और बाकी यहाँ के कैफ़े के मज़े ले लो। बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े कैफ़ेज़ हैं, जहाँ आपका बजट लगे वहाँ पे आप जाओ, और बहुत सारे स्टॉल भी मिल जाएंगे। अगर आप इधर आओगे ना लैंडिंग साइड से, तो इस साइड वैसे स्टॉल लगी हुई ना जैसे आपके शहरों में नहीं लगी होती है, सस्ते सस्ते रेट पर वो भी अवेलेबल है। और बाकी यहाँ के खेत, हरियाली, सब औसम है, अच्छा लगता है यहाँ पर। बाकी मिनी को जाहिर सी बात है मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मिनी मैं लेके आऊँगा तुम्हें, यहाँ पे थोड़ा सा एडवेंचर तो तुम करोगी, वहाँ से उड़ के आएंगे और करेंगे दोबारा से एडवेंचर में। और आगे बढ़ते हो तो एक छोटा सा और एरिया आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे, हॉस्टल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर चाहो तो थोड़ा सा नेचर के बीच में रहना चाहते हो, लाइक जैसे यहाँ पे या खेत वगैरह ना इनके बीच में रहना चाहते हो, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हो, बहुत सारी है। और बाकी कैफ़ेज़ तो यहाँ भी है, वहाँ भी एक कैफ़े है, तो ऐसे बहुत अच्छा है यहाँ पर। देख रहे हो कितने लोग उड़ रहे हैं, पूरा यहाँ से एक साथ कितनी लैंडिंग हो रही है। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुका हूँ सनसेट पॉइंट पे, अभी यहाँ से टाइम लैप्स लगाऊंगा क्योंकि कल मैंने देखा था बहुत ही अच्छा है यहाँ से आ रहा था, तो एक बार टाइम लैप्स यहीं लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ टाइम लैप्स कैसा है। बागी जी लैंडिंग साइड से देखने के बाद देख रहे हो कैसे धीरे धीरे सज रहा है बीर की मार्केट। शाम को तो यहाँ अलग ही लेवल हो जाता है, कल मैंने शाम को देखा था यहाँ ना, मतलब सारे कैफे बिल्कुल सजने लगते हैं और बिल्कुल चमाचम रोशनी, ये पूरी चमकती इधर और वो उधर वाली जो एरिया दिखाई थी वो भी पूरा चमकने लगता है। बाकी पहाड़ अलग ही शाइन करते हैं नेचर के साथ, जो ह्यूमंस ने बना रखी है चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो फिर अलग ही रौनक लग जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, नाइट में देख रहा हूँ मार्केट कैसी हो जाती है। ये भी सुनने में आता है लाइव म्यूज़िक यहाँ भी हो जाता है, यहाँ लाइव म्यूज़िक चलता है, छोटे छोटे यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, अलग अलग हाउसेज हैं, कैफ़े वहाँ भी बिल्कुल खेतों के बीच में कैफ़े। यहाँ की वाइब थोड़ी अलग है, गाने वाने चलते हैं, बैठ सकते हो। पहले तो मन था बैठने का लेकिन अब इतना कुछ लगी नहीं भूख कि कुछ जाके बैठे कुछ खाए पिए। तो जी फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल पे। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, आप लोगों ने भी देखा सारा, मैंने आपको ऊपर का दिखाया, नीचे मार्केट भी दिखाई, मॉनेस्ट्री भी दिखाई। तो सेकंड डे आप ऐसा कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो मुझे कल कहीं निकलना है, कल के ब्लॉग में आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी तब तक अपना आप ध्यान रखो, मिलते हैं नए एपिसोड में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है पता है, सब्सक्राइब करना है, और पुराने हो तो आपको लाइक और कमेंट करके जाना है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।